हेलो गाइज, इसके मोटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा SP125 के 5 डिसएडवांटेज के बारे में। तो गाइज, सही सुना आपने, हम लोग आज इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्सी या फिर कहे काफ़ी किन लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन ये एक ऐसी बाइक है जो जिस बाइक में कमी है, मैं आपको उस बाइक के बारे में मतलब जो कमी है मैं आपको इस बाइक के बारे में बताऊंगा। हालांकि मेरा इस बाइक से कोई मोटिव नहीं है इस बाइक को डिफेम करने का, हालांकि जो बाइक है काफ़ी ओवरऑल बेटर पैकेज है। जो जो इसमें कमी है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं एसके मोटर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो में और आपको बताते हैं होंडा SP125 के 5 डिसएडवांटेज। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं पहले डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज हो जाता है इसका प्राइस। तो प्राइस देखा जाए तो प्राइस थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव साइड देखने को मिल जाता है, और खासकर इसका डिक्स वेरिएंट वाला प्राइस। इसका डिक्स वेरिएंट वाला प्राइस अराउंड आपको 1,05,000-6,000, करीब 1,07,000 का समथिंग आपको ये देखने को मिल जाता है। जो प्राइस है इसका काफ़ी आपको हायर साइड चला जाता है अगर कंपेयर करते हैं ग्लैमर से या फिर करते हैं सुपर स्प्लेंडर से। जो प्राइस है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड चला जाता है, और 2,000-4,000 और कम होना चाहिए था, जिससे लोग मन में और भी लेने का जो बजट होता है उन ज़्यादा टाइट नहीं पड़े। तो पहला डिसएडवांटेज लगा इस SP125 का। बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में, जो हो जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो अगर आप हमारी एडवांटेज वाली वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन दिया गया है। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या खराबी है। तो इसके डिसएडवांटेज से मेरा मतलब ये है कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अभी तक फिलहाल कंपनी RPM मीटर अभी तक नहीं की है। हालांकि रेडर में आपको इस RPM मीटर देने लगी है, लेकिन इसमें आपको अभी तक नहीं देखने को मिलता है। ग्लैमर में भी आपको RPM मीटर देखने को मिल जाते हैं। तो जो हो जाता है इसका दूसरा डिसएडवांटेज। बात करते हैं तीसरे डिसएडवांटेज के बारे में। तो तीसरा डिसएडवांटेज हो जाता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस माने तो इसका काफ़ी कम है, अगर 125 सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस मात्र आपको 160 mm का देखने को मिल जाता है। जबकि इसके कंपटीटर में ग्लैमर को देखें या फिर TVS की रेडर को देखें या फिर सुपर स्प्लेंडर को देखें तो उसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो जहाँ से ये एक बेनिफिट होता है कि आप कोई भी टेरेन पे अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन वहीं अगर SP125 को देखें तो मात्र आपको 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो इस पर अगर आप हेवी लोड देकर चलते हैं तो आपको ब्रेकर पर टच होने का चांस बना रहेगा, जो हो जाता है इसका तीसरा डिसएडवांटेज। बात करते हैं चौथा डिसएडवांटेज के बारे में। तो चौथा डिसएडवांटेज हो जाता है इसका डिजाइन। तो डिजाइन यानी इसका लुक्स जो काफ़ी है, काफ़ी बेहतरीन लुक दिया है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ लुक काफ़ी बेकार है, लेकिन कंपनी काफ़ी 3 साल से अभी देख रहा हूँ मैं जब से आई हुई है, अभी तक कोई भी अपग्रेड इसमें नहीं देखने को मिला है। तो कंपनी को नया कुछ अपग्रेड देना चाहिए था, हालांकि कुछ और भी उसमें चेंज करके देने चाहिए थे, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया है। हालांकि जो पहले आती थी लुक ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी को और भी अपग्रेड करना चाहिए था, काफ़ी टाइम से हो गया तो एक आउटडेटेड फील होने वाली लगने लगी है। तो जो हो जाता है इसका चौथा डिसएडवांटेज। बात करते हैं पांचवें और आखिरी डिसएडवांटेज के बारे में। तो जो हो जाता है इसका फीचर्स। तो फीचर देखा जाए तो फीचर ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर लैग करते हैं। जैसे इसमें आपको DRL नहीं देखने को मिलते हैं, LED टेल लाइट नहीं आते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर नहीं आता इसमें, ना ही GPS का सिस्टम आता है, यानी GPS नेविगेशन का भी इसमें आपको सपोर्ट नहीं है, ना ही आपको USB चार्जिंग पोर्ट। शायद सब USB चार्जिंग पोर्ट आ गई है, लेकिन जो DRL है, LED टेल लाइट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर है, GPS नेविगेशन है, अभी तक आपको सब फीचर नहीं देखने को मिलते हैं। तो कंपनी को और कुछ काम करने चाहिए या फिर इसका नेक्स्ट जनरेशन लाना चाहिए, ताकि कुछ लुक भी इम्प्रूव हो जाए और कुछ इसमें फीचर भी एड ऑन हो जाए। जैसे अगर कंपेयर करते हैं ग्लैमर को, तो ग्लैमर एक्सटेक को अगर कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, एडवांस फीचर कह सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे ये जो कमी थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। जो हो जाता है इसका पांचवा डिसएडवांटेज। तो ये जो पांचवा डिसएडवांटेज है काफ़ी लोगों के लिए अगर मैटर नहीं करते हैं, अगर आपके लिए मैटर नहीं करता है तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। अगर आपके लिए डिसएडवांटेज मैटर करते हैं तो आप शायद से दूसरी बाइक को प्रीफर कर सकते हैं। काफ़ी ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन बाइक है, अगर आपके लिए 5 डिसएडवांटेज मैटर नहीं करते हैं तो। तो गाइस, यही थे 5 डिसएडवांटेज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और कोई टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। इसके लिए स्टे ट्यून्ड।